अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नगमा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सीख ग्रेवी मेरे तरीके से। तो चलिए फिर देखते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सीख बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ चिकन कीमा। तो मैं 500 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी, मैं उसको अच्छे से धो करके उसका पानी अच्छे से मैं सुखा ली। उसके बाद मैं छोटे छोटे से पीस कट करके उसको मिक्सर के वाटी में डाल करके अच्छे से बारीक में पीस ली हूँ। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए, मैं 1 चम्मच भर के ले ली हूँ, ये मैं डाल देती हूँ इसमें। तो इसी के साथ मैं डाल दूँगी ये 1 मीडियम साइज़ का देखिए प्याज मैं ले ली हूँ, और इसको अच्छे से एकदम मैं बारीक काट ली हूँ। काटने के बाद मैं इसको एक कॉटन के कपड़े में डाल करके इसका सारा पानी मैं निचोड़ ली हूँ। ये देखिए, अच्छे से ये ड्राई हो गया है, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ इसमें। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी ये पीसी हुई हरी मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे काली मिरी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और इसी के साथ डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये 1 अंडा, 1 साथ डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 1 चम्मच नींबू का रस। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कीमे के साथ में। तो ये देखिए, मैं सारे मसालों को अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर ली हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच भर के घी, आप चाहे तो तेल या बटर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। तो अब हम इसमें देंगे कोयले का भाप, बीच में थोड़ा ऐसे जगह कर देते हैं। यहाँ पे मैं रख देती हूँ ये 1 छोटा सा वाटी। तो ये देखिए, मैं कोयले को अच्छे से गरम कर ली हूँ। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल, इसको कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए इसी तरह हम छोड़ देंगे इसको। चलिए 10 मिनट हो गए हैं, इसमें से मैं ये निकाल लेती हूँ वाटी। अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दी हूँ। तो आप चाहे तो इसको और आधे घंटे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं इसका सीख बनाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं ले ली हूँ इस तरीके का एक लकड़ी, ये देखिए मेरे पास ये था, तो मैं इसी से बनाऊँगी। तो इसमें मैं लगा देती हूँ हल्का सा तेल, थोड़ा सा हाथ में पानी या तेल लगा लीजिए। चलिए हम फटाफट से सीख बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा एक कीमा ले रही हूँ, तो आपकी मर्जी, आप छोटा बड़ा जैसे भी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बनाइएगा। इसको अच्छे से हम
तो ये देखिए इस तरीके से ही बनाना है हमें। तो मैं थोड़ा छोटा छोटा ही बना रही हूँ, तो इसको मैं अब आराम से निकाल लूँगी। ये देखिए अब इसको आराम से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ये देखिए इतना छोटा मैं बना रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी बनाना चाहते हैं, छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बनाइएगा आप। ये देखिए तो इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं सारे सीख बना ली हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रख दी हूँ फ्राई पैन, मैं इसी में सीख फ्राई करूँगी। आपके पास अगर ग्रिल पैन है तो उसमें भी बना सकते हैं। तो चलिए ये अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल देती हूँ एक बड़ा चम्मच भर के तेल। ये देखिए तेल में डाल दी हूँ, अच्छे से इसको चारों बाजू फैला देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। चलिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं एक एक करके सीख डालती हूँ। तो ये देखिए मैं सारा सीख इसमें डाल दी हूँ, ये पैन थोड़ा बड़ा है इसमें आ गया तो मैं सारे ही डाल दी हूँ। तो इसको हम अच्छे से अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसको हम दूसरे साइड पलटा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा है इस पर। तो ये देखिए सीख को मैं दूसरी तरफ पलट दी हूँ। तो इसी तरीके से हम अच्छे से हर तरफ से अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैं हर तरफ से अलट पलट के सीख को फ्राई कर ली हूँ, और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो ये हो गया है, तो इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। ये देखिए हर तरफ से मैं अच्छे से इसको फ्राई करी हूँ अलट पलट के। तो चलिए ये हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पे हम फटाफट से ग्रेवी बना लेते हैं। तो ये देखिए मैं सारे सीख फ्राई करके निकाल ली हूँ। ये पैन में थोड़ा सा तेल है तो इसमें मैं डाल देती हूँ दो मीडियम साइज़ का प्याज। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा मोटा मैं काटी हूँ, ये देखिए। तो इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। हल्का सा प्याज को हम नरम करके ले लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से नरम हो गया है, आप देख सकते हैं कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसको ठंडा करके मैं पीस लूँगी। तो ये देखिए ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी हूँ और गैस कर दी हूँ चालू। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच भर के तेल। चलिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डालती हूँ कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे देखिए ये एक बड़ी इलायची ले ली हूँ, एक टुकड़ा दालचीनी, 4 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये पीसा हुआ प्याज। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज को मैं अच्छे से चलाते हुए भून ली हूँ, ये अच्छे से भुना गया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1 से 1.5 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए। थोड़े देर हम अदरक लहसुन को भी भून लेंगे।
तो ये देखिए 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन को भी मैं अच्छे से भून ली हूँ। तो इसमें मैं डाल देती हूँ दही, ये मैं 200 ग्राम दही ली हूँ, तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी ये 5 से 6 हरी मिर्ची का पिसा हुआ पेस्ट। आप अगर तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची थोड़ा कम कर लेना। और इसी के साथ डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले, तो ये 1 चम्मच भर के मैं धनिया पाउडर ली हूँ, ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें। 1 चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिरी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो अच्छे से ढक करके दही और मसाले को भून लेंगे। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ। चलिए मसाले को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दही और मसाले अच्छे से भुना गए हैं, ये देखिए सारा तेल ऊपर आ गया है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ काजू का पेस्ट। तो ये देखिए ये मैं 10 से 12 काजू ली थी, उसको अच्छे से मैं बारीक पीस ली हूँ, तो ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 चम्मच भर के अमूल फ्रेश क्रीम। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ इसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो थोड़े देर ढक करके हम पका लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में पक जाए। तो ये देखिए मैं सारी चीज़ों को अच्छे से भून ली हूँ, ये देखिए माशाल्लाह सारे मसाले अच्छे से भुना गए हैं। तो इसमें मैं डाल देती हूँ नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और इसी के साथ डाल दूंगी ये 5 हरी मिर्ची, ये देखिए मैं इसको बीच में से ऐसे कट लगा दी हूँ, तो ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। बस इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ जो सीख हम बना करके रखे हैं। तो चलिए मैं इसमें एक एक करके ये सीख डालती हूँ।
अच्छे से इसको चला देते हैं। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और ढक करके अच्छे से पका लूँगी। तो चलिए इसको ढक देते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सारी चीज़ें आपस में पक गए हैं। तो इसको मैं ढक करके 5 मिनट पका ली हूँ और बीच में मैं एक बार चेक करी थी इसको, तो इसमें मैं डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अब ये हो गया है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। चलिए मैं आप लोगों को निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह ऊपर से डाल देते थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा चिकन सीख ग्रेवी बन करके तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग भी बनाइए इस तरीके से और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।